नमस्कार भाइयों और बहनों, आप लोगों का गोल्ड प्राइस टुडे यूट्यूब में स्वागत है। मैं आप लोगों को फिर से गुड न्यूज देने वाली हूँ, क्योंकि सोने में आज भारी गिरावट आई है दोस्तों। तो आप लोग चाहे तो भैया दूज के दिन आप लोग सोने और चांदी के आभूषण ढेरों खरीद सकते हैं दोस्तों। आज 100 ग्राम सोने में काफी सस्ता हो चुका है सोना। 100 ग्राम सोने में 2100 रुपए सस्ते हो चुके हैं दोस्तों। तो आप लोग चाहें तो सोने और चांदी के आभूषण खरीद सकते हैं। तो आइए हम आप लोगों को सोने और चांदी का बिल्कुल फिक्स भाव और ताजा भाव बताते हैं, जो कि मार्केट में चल रहा है वही भाव हम आप लोगों को बताते हैं। एक ग्राम सोने का रेट है 4975 रुपए, कल था 4996 रुपए। एक ग्राम सोने में 21 रुपए घट चुके हैं। 8 ग्राम सोने का रेट है 39800 रुपए, कल था 39968 रुपए। 8 ग्राम सोने में 168 रुपए घट चुके हैं। 10 ग्राम सोने का रेट है 49750 रुपए, कल था 49960 रुपए। तो दोस्तों 100 ग्राम सोने में 210 रुपए घट चुके हैं। 100 ग्राम सोने का रेट है 4,97,500 रुपए, कल था 4,99,600 रुपए। 100 ग्राम सोने में 2100 रुपए घट चुके हैं। ये तो हम लोगों के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है। अभी लगातार एक महीने से सोना बिल्कुल भी सस्ता नहीं हो रहा था और सोना दिन पर दिन इतना ज्यादा महंगा हो चुका था कि खरीदना बहुत ही मुश्किल हो चुका था दोस्तों। दिवाली में भी सोने और चांदी के आभूषण इस समय नहीं खरीदे गए हैं, क्योंकि कोरोना की महामारी के कारण अब की ऐसा पहली बार ऐसा हुआ है जो कि दिवाली में भी सोने और चांदी के आभूषण ढेरों सारे नहीं बिके हैं। ये दोस्तों पहला ऐसा चांस है कि अब की दिवाली में दोस्तों सोने और चांदी की खरीदारी नहीं की गई है, लेकिन अगली बार यही उम्मीद है कि दीपावली में ढेरों शॉपिंग की जाएगी दोस्तों। आज का दिन आप लोगों के लिए बहुत ही खास है कि 2100 रुपए सोने और चांदी में छूट है। आप लोग चाहें तो सोने की और चांदी के आभूषण खरीद सकते हैं। आइए हम आप लोगों को चांदी का भी रेट बताते हैं। चांदी सस्ती नहीं हुई है, चांदी में 10 रुपए बढ़ भी चुके हैं दोस्तों। जितनी चांदी पहले भी थी उतनी चांदी आज भी है। 1 ग्राम चांदी का रेट है 63 रुपए, 8 ग्राम चांदी का रेट है 508 रुपए, 10 ग्राम चांदी का रेट है 636 रुपए और 100 ग्राम चांदी का रेट है 6371 रुपए। 1 किलो चांदी का रेट है 63610 रुपए, कल था 63600 रुपए। तो दोस्तों कल 10 रुपए घट चुके थे और आज 10 रुपए बढ़ चुके हैं। तो चांदी में कोई भी गिरावट नहीं है, 10 रुपए बल्कि बढ़ चुके हैं। बस यही खुशखबरी है कि जो सस्ता हुआ है वो सिर्फ सोने में ही सस्ता हुआ है। तो आप लोग चाहें तो सोने और चांदी के आभूषण खरीद सकते हैं दोस्तों। बस 5 मिनट का समय निकाल करके हमारा आप लोग चैनल देखिए और सोने और चांदी का फिक्स भाव पाइए, जो कि आपको मार्केट में भाव मिलेगा वही हम आप लोगों को फोन में ही बता रहे हैं। तो आप लोग अपने फोन से जानिए सोने और चांदी का भाव और ढेरों सारी शॉपिंग भी कर सकते हैं। तो आप लोगों का एक सब्सक्राइब और एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, और हमारी मेहनत का ही फालूदा है। तो आप लोग कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय। कल फिर मैं आप लोगों के सामने एक अच्छी खबर लेकर आऊंगी, जो कि हम आप लोगों को बता भी पाएंगे कि सोने और चांदी के भाव में क्या है, तेजी है कि सोना घट चुका है। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।